नेक्स्ट बताए बाबू अदित्री, कहा लिखे इसके बाद क्या लिखे यहाँ पे बताए, क्या लिखे यहाँ? सर जीरो। जीरो। फिर कितना टाइम्स में? 7 2 14। 2 14, फिर 14, फिर बाबू इसको सबट्रैक्ट करो कितना? 6। फिर बाबू यहाँ पे क्या लिखे हैं? जीरो। जीरो। देख रहे हो आर्या ऐसा क्वेश्चन पढ़ी बाबू, फिर कितना टाइम में बताइए? के बाद तो 2 डिजिट तक ही नहीं किया जाता था, कंटिन्यू करते थे। 8 56। बाबू डिवीजन में 56। 7 8 56। ये कितना हो जाएगा बाबू? कितना होगा सर? आपने 7 लिख लिया, 8 होगा सर। 8 होगा। 8 होगा। ठीक है बाबू, इसके बाद बाबू करते करते आप इसके बाद बाबू 7 है ना, फिर भी नहीं आएगा बाबू, फिर रिपीट होता जाएगा। अब बाबू देखो क्या, डेसिमल के बाद बाबू जनरली 3 माने 2-3 डिजिट तक निकाला। आपको हम इतना इसलिए बता दी बाबू, आपको हमको समझाना था। राइट डाउन करो अदित्री। सर मेरे सर बताए ना कि ऐसे रिपीट होते जाए तो पॉइंट के बाद 2 अंक से ज्यादा नहीं लिखने के लिए। अरे शैतान का रिपीट कहाँ हो रहा है, रिपीट पहले हो रहा है बाबू, रिपीट होगा था ना शैतान के, तो रिपीट वाला कराते हैं, रिपीट वाला करवाते हैं, रिपीट नहीं हो रहा है। तो रिपीट होगा ना? हाँ बाबू, क्या बाबू? सर फोर से भी तो रिपीट होगा ना, फिर से रिपीट होके जाएगा वो जो फोर लेफ्ट होगा। हाँ जान जानवी जानवी दास बोलिए बाबू जानवी। सर मेरा एक डाउट है। बोलिए ना बाबू, बोलिए ना। सर आपने जो बोला पहले हमने 1 और 7 लिखा, उसके बाद पॉइंट दिया सर, उसके बाद अगर हम 2 लिखेंगे सर, 2 के बाद फिर डेसिमल पॉइंट नहीं देंगे, डायरेक्ट करेंगे, सिर्फ 0 पुट करेंगे। बाबू डेसिमल एक ही बार देना, क्वेश्चन में डेसिमल एक ही बार देना जानवी, उसके बाद डेसिमल नहीं देंगे, एक ही बार डेसिमल देना। तो देखो पहले 1 से सर 7 आया, फिर 5 अब 1 आया, कैसे पता चलेगा, कैसे सर उनको कैसे पता चलेगा किस किस जगह में डेसिमल देना पड़ेगा? सर रिपीट कैसे नहीं हो रहा है? 20 14 है, फिर 6 आएगा, फिर रिपीट हो रहा है सर, देखिए ध्यान। अच्छा रुको रुको रुको, देखो बाबू इसके बाद बाबू देखो यहाँ से बाबू देखो कैसे पता चलेगा जानवी दास, 51 - 49 करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सबट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा सर? 2। 2 आएगा। अब बाबू 2 लगेगा बाबू, जब भी बाबू यहाँ पे जो रिमाइंडर है 7 से छोटा आ जाएगा वो तो डेसिमल पुट करना। अब 2 से बाबू 7 डिवाइड करोगे, यहाँ से बाबू 2 आ गया, रिमाइंडर 7 से छोटा नहीं हुआ तो कैसे करोगे इसको आगे, कैसे करोगे डिवाइड? नहीं ना करोगे बाबू जानवी दास, जानवी बोलिए ना, इसको डिवाइड करोगे बाबू? नो सर, क्योंकि छोटा है, छोटा है 7 से, है ना? तब बाबू आप डेसिमल पुट कर देना, जब बाबू 7 डिवाइजर से छोटा आ जाएगा, डिवाइजर से छोटा आ जाएगा तो वहीं से डेसिमल पुट करना, समझे जानवी दास? यस सर। हाँ बाबू, तो इसीलिए बाबू हम डेसिमल पुट किया तो उसके बदले क्या लिखे, 0 लिखे। अब राइट डाउन कीजिए जानवी दास, तो बेसिक कंसेप्ट था बाबू आप लोग को। सर देखिए रिपीट हो रहा है 60 में, वहां भी रिपीट हो रहा है, यहां भी देखिए 60 56, फिर 4 कीजिएगा तो फिर 40 35। कहां रिपीट हो रहा है बाबू अभी तक? देखो एक सेकंड डिजिट के बाद बाबू नंबर सेम आना चाहिए, 28571124 28। तो इसके बाद बाबू इसके बाद अगर 5 आता, देखो शैतान, अगर इसके बाद बाबू देखो देखो यहां 4 है तो यहां बाबू यहां तक पहले लिखो बाबू, समझाते हैं लिखो 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 समझाते हैं। और बता अगर लिखोगे भी तो वहाँ पे जब रिपीट होगा वहाँ पे पॉइंट दे देना। अरे शैतान ठीक है, डेसिमल के बाद 2 अंक से ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है ना? उतना मेरा काम चल जाता, सही बात है, लेकिन हमको समझाना था ना बाबू, समझाना था ना, इसीलिए बाबू हमने पूरा का पूरा समझा दिया, ठीक है ना? समझी? अब 4 के बाद बाबू देखो पुनः रिपीट हो रहा है, देखो 4 के बाद क्या है सर, डेसिमल का 2 8 है तो 4 के बाद 2 8 आया ना, उसके बाद 5 आएगा 7 आएगा, ठीक है? सर हमको समझाना था। हाँ बाबू बोलिए। सर ये तो बहुत बार रिपीट होगा, तो हम कैसे जाने कि किस कितने बार हम रिपीट करेंगे? रिपीट नहीं करना बाबू, जैसे 4 के बाद 2 आ गया ना तो पूरा 2 8 आ गया, तो मतलब इसके बाद रिपीट रिपीट करेगा, आपने देखना वो प्रीवियस डिजिट आ रहा कि नहीं आ रहा, उसके बाद रुक जाना,
चलो दूसरा क्वेश्चन करवाते बाबू, दूसरा करवाते उसमें आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। सर अगर हम डेसिमल के बाद दो डिजिट लगा सकते हैं जैसे कि 2 और 8 और रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे? बाबू डेसिमल के बाद बाबू आपको हम सिखाने के लिए बाबू यहाँ डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट लगा, आप 2 या 3 डिजिट तक निकालना ठीक, लेकिन हमको अभी सिखाना बाबू ठीक है ना, इसीलिए हम इतने सारे बता रहे हैं ठीक है दित्री। चलो ठीक है, हाँ बाबू बोले जानवी। सर आपने जो ये वाला डिवीजन बताया डेसिमल का, सर अगर इसका हमको आंसर लिखना होगा सर हम पूरा इतना लिखेंगे 17.2857142 लिखेंगे या सिर्फ 17.285 लिखेंगे? बाबू आप 3 डिजिट तक निकालना बाबू, बार बार बोलो बाबू आप 3 डिजिट तक निकाला, 3 या 2 डिजिट से मेरा काम चल जाता है ठीक है ना, 3 डिजिट या 2 डिजिट से मेरा काम चल जाता है, लेकिन हमको बार बार बोलता आपको हमको सिखाना था ना, इसीलिए हमको सारा का सारा डिजिट निकाल दिए ठीक है जानवी दास। सर अगर सारा लिखेंगे तो क्या गलत होगा? नहीं बाबू गलत नहीं होंगे बाबू, टाइम कंज्यूम होगा, गलत नहीं होगा, टाइम कंज्यूम होगा, टाइम बर्बाद होगा, समझे जानवी दास? ओके सर। 1 2 3 4 इसको डिवाइड करो तो बाबू देखो कैसे करना बताओ जानवी दास, जानवी आप ही बताओ इसको, एक बार दित्री बताया बताओ पहले कितना टाइम लगा, बोलिए जानवी दास जल्दी जल्दी बोलिए। यस सर। फिर पहले वन बार में सर 8 1 8 8 1 8 माइनस कितना यहाँ होगा जल्दी बोलिए जानवी दास, बोलिए वो बोलते हैं बाद में लिखिएगा 4, उसके बाद क्या लिखें? सर 3 नीचे आएगा फिर, हाँ उसके बाद कितना करें सर? 40 से 5 5 5 40 नेक्स्ट माइनस कितना लिखें? बोले ना जानवी दास 3 आएगा और आपका उसके बाद क्या लिखें? 4 नीचे आएगा, 4 नीचे आएगा, उसके बाद बाबू आप कितना टेंशन लगा बेचारे डिस्टर्ब हो रहे, मम्मी उसकी क्लास कर रही है इसीलिए डिस्टर्ब हो रही है, अलग कहीं चल जाए ना जानवी दास बाबू, अलग और स्पेस नहीं बाबू जानवी दास, अलग नहीं और रूम है बाबू। चलो ठीक है बनाए बाबू बनिए, आर्या बनाइए जल्दी से, अच्छा ठीक है आर्या, आर्या बाबू यस बाबू बनाओ आप लोग बनाइए, यस सर बनाइए जल्दी से बाबू बनाइए, फिर आगे पढ़ाएंगे बाबू। सानवी आप बोलो बाबू, सानवी सर ये होगा 8 4 32 8 4 32 बाबू, उसके बाद बाबू सर बन गया ठीक है, उसके बाद कितना लिखें सर? 154.25 अच्छा आप बाबू देखो अब ये यहाँ पे समझो जानवी दास, यहाँ 2 आ गया ना बाबू, तो 8 से क्या छोटा ना, इसके बाद आप डिवाइड करोगे जानवी दास, बोलो जानवी दास बाबू। सर सर हम जीरो लगाएंगे उसके बाद और डेसिमल देंगे, हाँ क्वेश्चन में यहाँ डेसिमल देना उसके बाद यहाँ जीरो लगाना, अब बाबू फिर से अब देखो 8 से बड़ा हो गया तो फिर से डिवाइड शुरू करो जैसे आप लोग पहले जानते थे, बोले जानवी दास कितना सर 8 2 16 कितना आएगा सबट्रैक्ट करके? सर ये आएगा 4 4 अब फिर बाबू क्या होगा 8 से छोटा होना है, अब अपने मन से खाली जीरो देते जाना, क्या लिखे बताओ सर? 5 बार में कट जाएंगे, कितना बार में आएगा बताइए? 5 5 40 ये रिमाइंडर 0 हो गया, तो हमको जब तक करना बाबू रिमाइंडर 0 आ जाए ना या बाबू रिपीट कराए ना, तो इसका आंसर ये हो गया 1.154.25 लिखे जानवी दास, अब बनाइए लिखे सानवी, चल गई सानवी का नेटवर्क खराब था, चलिए ठीक है उसका पता नहीं महाराष्ट्र में रहकर उसका आधा दिन नेटवर्क खराब रहता, समझ में आया संजना? यस सर मेरे को तो आता है, चलिए अच्छी बात है। तो ये सब बेसिक चीज है बाबू, सभी स्टूडेंट को आना चाहिए।
अब इसमें धीरे धीरे हम लोग लेवल राइज करते चलेंगे। जल्दी से लिखो जानवीदास बाबू। अदित्रि समझ में आया? अदित्रि बाबू यस सर समझ में। ठीक है एक बाबू और करते हैं, एक और करते हैं। तो 6 बजे वाला ग्राफ वाला क्लास की थी यार ये बाबू पिछले वीक में सर किए थे तो बनाए थे सर, कोई नहीं किए थे तो ग्राफ का पिलाई हो? यस सर है। तो बनाई हो का दो बाबू की नहीं बनाई हो? नहीं सर लास्ट टर्न वाला क्लास नहीं किए थे फिजिक्स वाला। बस बाबू आप भी हो ना लिख लिया अदित्रि? मैंने तो कब का लिख लिया। चलो ठीक है लिखिए लिए सब तो दिख सकते हैं। नेक्स्ट बाबू एक क्वेश्चन और बता देते हैं, एक क्वेश्चन और बता देते हैं ना। इलेवन नंबर तो ये अभी बच्चा वाला चल रहा है, तो बड़ा वाला पढ़ लिया है ना। इलेवन नंबर जैसे बाबू मान लो 3 डिवाइड बाय 3 रहे, देखो इसको समझो 10 डिवाइड बाय 3 रहे, इसको क्या करना चाहता 3 हो गया सर और डिवाइड 10 हो गया। ठीक है सारे तो है रिपीट वाला है। हां बाबू रिपीट वाला है। देखो पहले 3 टाइम्स लगाने का कितना होगा 3 का सर 9 सर इसमें 3.3333 बढ़ते जाएगा 33 आते जाएगा। हां हां बाबू उसके बाद क्या करना सर? उसके बाद देखो बाबू क्या करोगे 0 पुट करोगे, यहां 1 लगेगा बाबू 1 लगेगा नहीं लगेगा, फिर छोटा करना यहां पे डेसिमल पुट करना, इसी डेसिमल को यहां 0 पुट करना, फिर 3 आ गया बाबू, तो ये कितना हो गया 3 से बाबू 9 हो जाएगा, सबट्रैक्ट करोगे 1 आ जाएगा, फिर बाबू क्या करोगे 0 करोगे, ठीक फिर बाबू क्या करोगे 3 पुट करोगे तो कितना हो गया 9 हो गया, सबट्रैक्ट करोगे 1 हो गया, फिर बाबू इसी तरह से जब भी करोगे बाबू यही 10 डिनोमिनेटर में क्या आ जाएंगे 1 आते जा रहेंगे 1 आते जाते रहेंगे ना, डिनोमिनेटर क्या है 1 आते रहेगा है ना, तो इस तरह से बाबू आपका सीक्वेंस चलते रहेगा, फिर क्या करोगे बाबू 3 टाइम्स में लगाओ बाबू ये 9 हो जाएंगे है ना, ये सबट्रैक्ट करोगे 1 आ जाएगा, तो इस तरह से बाबू क्या करेंगे सीक्वेंस चलते रहेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे है ना, और आगे आगे इसको चला के बहुत क्या कर देंगे बारिश इस तरह से बहुत आपको क्या आएंगे आते रहेंगे 3.33 आते रहेंगे है ना। सर हम लोग तो 2-3 तक ही करके छोड़ देंगे ना पॉइंट के। हाँ बाबू हाँ बाबू हाँ बाबू बोले जानवी दास। सर आपने जो किया है सर अगर ये होगा सर इसमें तो रिपीट हर बार 3 आएगा सर ये हाँ बाबू तो इसीलिए तो छोड़ नहीं होगा, नहीं कभी नहीं होगा, कभी नहीं पूरा डिविजुअल हमेशा 3-3 आते रहेगा, 3-3 आते रहेगा है ना, कभी पूरा डिविजुअल नहीं होगा, नहीं आएगा नहीं होगा बाबू, नहीं बाबू कभी डिविजुअल पूरा होंगे ही नहीं। ओके सर ठीक है बाबू। आपकी मम्मा क्लास कर रही है बाबू, डिस्टर्ब हो जाता ना yes, बहुत जोर से क्लास तो पढ़ा रही है कि पढ़ रही है बाबू? सर पढ़ा रही है। अच्छा पढ़ा रही है, चलिए ठीक है। हमारे यहाँ सभी के पेरेंट्स बाबू हाईली एजुकेटेड है, सबके गार्जियन पढ़ाते हैं कि नहीं यार? यहाँ आपकी मम्मी नहीं पढ़ाती बाबू? तो वो हम ही लोग को पढ़ाती है। अच्छी बात है, तो आप भी पढ़ाई है जो सीखते हैं यहाँ बाबू मम्मी को सिखाई है, सामने तो बहुत अच्छा चीज बताया था बाबू, आप तो थे नहीं प्रखर सीख ली थी, मम्मी को पढ़ा रही थी प्रखर अपना। जल्दी से लिखो बाबू ठीक है। चलो इरेज कर रहे हैं बाबू, इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट तो इस तरह से बाबू अयस कहाँ चल गया? यस यही हो बाबू है? नहीं जी सर यस यही है सर, यस नहीं ज्वाइन हो रहा है सर, नहीं ज्वाइन हो रहा है, वो बैठा हुआ है सर काट के, ज्वाइन हो ज्वाइन। नेक्स्ट बाबू इसको करके अब एक बड़ा वाला लेते हैं, बड़ा 1, 2, 3 पर बाबू जितना बड़ा रहेगा 9, 6, 3, 2, 1, 4, 2, 1 जल्दी करो तो कौन करता है? सर बोल रहे मेरे ऊपर बहुत लोड है। क्या लोड है बाबू समझ में नहीं आ रहा? अब हम नहीं पढ़ेंगे सर, उसी से पूछे आप बताओ सर क्या लोड है? क्या लोड आ गया यस बाबू? इतना बच्चा वाला तभी पढ़ा रहे हैं बाबू, लोड आया कहाँ? ये बताओ प्रखर 3-3 क्लास कर रहा है, देखिए तो सुबह शाम फिर भी उसके पास लोड नहीं है। बनाए बाबू जल्दी से बनाए तो
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाव, टाइम हो गया, आ गया। सर अभी पढ़ा रहे हैं कि कितना टाइम हो गया बाबू? 5:55। बड़े जल्दी हो गए बाबू। तैयार के ऊपर क्या लोड है यार, हमको समझ में नहीं आता बाबू। बच्चे के ऊपर लोड नौटंकी करता ना। नोट क्या बोल रहा सर? वो कुछ बोल रही सर, रो रहा है, कह रहा स्कूल का लोड है, ट्यूशन का लोड है, हम नहीं पढ़ेंगे। अच्छा उसे बतियाते हैं स्कूल का लोड कितना लोड है। हाँ उसको सर उससे बात कर लीजिएगा। हाँ कर लें बाबू, क्लास सर आंसर आएगा 78,056.25। ठीक है बाबू, ठीक है। देखो वो कैसे करना, आगे आ रही आने आया बाबू। गुड इवनिंग सर। बना रहे बाबू तो ऐसे बाबू, आप लोग इतना हाई हाई फाई होकर बाबू इसमें स्टक हो गए। इसको ऐसा करते बाबू डीआई बाई करके लाइएगा तो थोड़ा अधिक जानवी सर है ना छोट। हाँ बाबू सर मैं बता दूंगी। अच्छा ठीक है बताइएगा है ना सर। अब हमारा होमवर्क चेक कर लीजिए। ठीक है बाबू। अरे उस कहाँ ज्यादा देर पढ़ाते अभी बाबू, हाँ मतलब तो 45-50 मिनट तो क्लास से चलता है, उसमें भी 5 मिनट आप लोग लेटे आते हो तो शाम मतलब तो 5 से 6 में बाबू अभी शाम वाला 5 से 6 तो अभी बाबू बहुत स्लो स्लो चल रहा है, 6 से 7 में तो सीरियस चलता है, मॉर्निंग वाला तो खैर कहिए मत, उसमें तो बाबू 1 घंटे 1.25 घंटे भी चलते हैं। अभी आप लोग का स्टार्टिंग है तो इसलिए स्लो स्लो पढ़ाते हैं, थोड़ा एंजॉय करके पढ़ाते। गुड इवनिंग सर। ठीक है बाबू, दूसरी जानवी सानवी जाइए बाबू, अब प्रखर को कांटेक्ट करके देखे तो आइए। ठीक है बाबू।